स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल जमवाल व्लॉग्स में, और मैं आपका दोस्त दीपक जमवाल। आज हम पहुंच चुके हैं माँ सिंदूरी के दरबार में। यहां पर आज जन्माष्टमी का महोत्सव है 19 अगस्त 2022 को। तो आज कान्हा जी के जन्म दिवस पर सिंदूरी माता मंदिर में भजन संध्या का आयोजन किया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर 16 से 22 अगस्त तक चलने वाली कथा का भी आयोजन किया गया है, जो कि आप लाइव भी देख सकते हैं भगवत धारा यूट्यूब चैनल और भगवत धारा फेसबुक पेज पर। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हम 8:30 बजे पहुँच चुके हैं, 9 बजे हमारी भजन संध्या शुरू होगी। तो यहाँ पर जो भक्तजन हैं वो प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, तो थोड़ी ही देर बाद हमारी भजन संध्या शुरू हो जाएगी। यहाँ पर काफ़ी भक्तजन आए हुए हैं माता के कान्हा के, सो आज सब आशीर्वाद लेंगे एंड बहुत ही आनंद लेंगे इस भजन संध्या का। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर बच्चे भी बहुत हैं, साथ ही मेरे दोस्त भी आए हैं। इनमें से एक हैप्पी भाई हैं जो धर्मपुर से हैं एंड हमीरपुर में म्यूज़िक टीचर हैं स्कूल में, सो वो भी आज एक दो भजनों की प्रस्तुति देंगे, तो आप उनको भी ज़रूर सुने एंड बहुत ही मज़ा आने वाला है, बहुत ही आनंद आने वाला है सिंदूरी माँ के दरबार में। सिंदूरी माँ का आशीर्वाद लेने हम भी आए आज मंदिर में पहुँचे हैं, भजन संध्या का आनंद लेंगे। ये हमारे कान्हा जी की मूर्ति यहाँ पर रखी गई है, तो अभी कुछ समय बाद पालकी भी सजाई जाएगी। तो ये काली माता की मूर्ति भी बहुत अच्छी सजाई गई है। साथ ही साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी सजावट की गई है मंदिर में। दोस्तों जो आज की वीडियो है वो 3 पार्ट्स में रहने वाली है, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी बनने वाली है, तो मैंने सोचा कि इस वीडियो को 3 पार्ट्स में डिवाइड करके आपको प्रोवाइड किया जाए, ताकि आपको देखने में भी कोई परेशानी ना हो और आप वीडियो को भी आसानी से देख पाएँ। सभी पार्ट्स आपको मेरे इसी चैनल पर मिल जाएंगे। और यहाँ पे शिवलिंग को भी बहुत अच्छे से सजाया गया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और भक्तजनों के शिव महाराज भी आज सजे हुए हैं। साथ ही साथ यहाँ पे जो ज्वाला माता की जो अखंड ज्योति है वो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, बहुत ही प्यारी है। और ये देखिए यहाँ पे पालकी आ गई है हमारे कान्हा जी की, तो यहाँ पे अभी थोड़ी देर में कान्हा जी को पालकी में बिठाया जाएगा, और थोड़ी ही देर में हमारे जो म्यूजिशियन हैं एंड आचार्य प्रफुल्ल जी जो हैं यहाँ इस मंदिर में आचार्य जो हैं, वो भी थोड़ी देर में भजन संध्या शुरू कर देंगे। तो आप देख सकते हैं ये हमारे आचार्य जो प्रफुल्ल जी हैं वो आ चुके हैं, वो देख सकते हैं आप बहुत ही अच्छी सजावट के साथ यहाँ पे पालकी भी तैयार की गई है। माँ सिंदूरी का मंदिर अणु जिला हमीरपुर हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो अगर आप कभी हमीरपुर आते हो और अगर आपका मन किसी मंदिर में घूमने को कर रहा है, तो सिंदूरी माँ के मंदिर में आप ज़रूर आएं और यहाँ पर विज़िट करें, सिंदूरी माँ के दर्शन आप कर सकते हैं, माँ सिंदूरी का आशीर्वाद आप ले सकते हैं यहाँ पर आकर। तो दोस्तों तकरीबन 9:30 हो ही चुके हैं और हमारा जो भजन संध्या का कार्यक्रम है वो बस शुरू ही होने वाला है। हमारे जो पूज्य आचार्य प्रफुल्ल जी हैं वो इस भजन संध्या की शुरुआत करेंगे, तो थोड़ी ही देर में 5 या 10 मिनट में आपके सामने यहाँ पर
भजन संध्या शुरू हो जाएगी। तो फिर मिलते हैं आपको भजन संध्या में, और वीडियो को कृपया पूरा देखें क्योंकि आपको भी आनंद ज़रूर आएगा इस भजन संध्या का, एंड आप भी आनंद लें जन्माष्टमी महोत्सव का। आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और यहाँ पर जो हमारे म्यूजिशियन भाई लोग हैं वो अपनी जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको साउंड सिस्टम के साथ थोड़ा सा मैच कर रहे हैं ताकि साउंड अच्छी आए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, आपको स्क्रीन पर यूज़र नेम शो हो रहा होगा और लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। इंतज़ार ख़त्म हुआ और हमारे पूज्य आचार्य प्रफुल्ल जी आ चुके हैं और भजन संध्या का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। तकरीबन 9:40 हो चुके हैं, तो चलिए अब हम भी आनंद लेते हैं इस भजन संध्या का और आप भी आनंद लीजिए। देखेंगे खाएंगे पीवेंगे भजन करेंगे सत्संग करेंगे और तभी जाएंगे जब लाला है जाएंगे। तो आप ब्रिज की उस पावन भूमि की ओर चले सब अपने मन को लेकर के, और जो ना गए वो बात खड़े करो भैया तो ना गए कहा मतलब ऐसी जिंदगी को है जाते जिंदगी कहो भारत जैसे देश में रह श्रीमदगुंज बिहारी Yeah.
यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्र दात्री च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाचकिं Thank you.